हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एच ए मेडिसिन। दोस्तों, आज मैं मेन फोर्स कंडम का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। मैं इसका काम बताने वाला हूं। इसका काम तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट्स मैं बताने वाला हूं। इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत भयानक होता है, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम कंडम खोल कर देख लेते हैं यह कैसा दिखता है, और इसका साइड इफ़ेक्ट जानना आप लोगों के लिए बहुत बेहद ज़रूरी जानकारी होता है, जो कि कितने लोगों को पता नहीं रहता है। यही सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको खोल कर देख लेते हैं यह दिखता कैसा है। यह मेन फोर्स कंडम कुछ इस प्रकार दिखता है, यह स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। दोस्तों, आप लोगों को इसका फ़ायदा तो पता ही होगा कि इसको यूज करने से, इसको इस्तेमाल करने से सेक्स के दौरान महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, यानी कि बच्चा नहीं दे सकती है, ठीक है। क्योंकि स्पर्म जो होता है, स्पर्म पूरा इसके अंदर ही गिर जाता है, जो महिला के शुक्राणु में नहीं जा पाता है, इसलिए महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इसका तो फ़ायदा आप लोग जान गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ये आप लोग कान खोल के सुन लो। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से यह नुकसान होता है। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर जैसे भयानक बीमारी होने का ज़्यादा डर रहता, ठीक है। कैंसर आप लोग सुने होइएगा, कैंसर बीमारी का नाम, वही होने का बहुत ज़्यादा डर रहता, जो कि सबसे भयानक बीमारी है, और इसका इलाज अभी तक तो दुनिया में संभव नहीं हुआ है। इसीलिए मेरे हिसाब से इस कंडम का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जितना कम हो उतना कम इसका उपयोग करना चाहिए। अगर सावधानी आप लोगों को रखना है तब, अपने लाइफ में कुछ करना है तब, ठीक है। हाँ, कभी कभी कर लेना चाहिए इसका उपयोग, लेकिन हमेशा करने से कैंसर जैसे रोग होने का डर रहता है। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।